अभियान चलाया गया है, क्या मामला? देखिए, ये बिहार सरकार पहली बार और टाटा मेमोरियल सेंटर जो मुंबई का ब्रांच मुजफ्फरपुर में खुली है, उसके तहत हम क्या करते हैं ना कि पूरा पंचायत जो हमारा पूरा ब्लॉक जो मुजफ्फरपुर का 5 ब्लॉक हम लोग लिया है, सकरा, मुसहरी, मोतीपुर, कांटी और ढोली मुरमुरौ, ये 5ों ब्लॉक में अभी हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमें हम लोग PVCR का एक प्रोग्राम चला रहे हैं, पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री, यानी कि जनपद या फिर एक जो फिक्स्ड पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, एक पंचायत में हो, एक ब्लॉक में हो, उस लेवल पे हम लोग हर घर में या फिर हर एक क्षेत्र में, वार्ड में कितने कैंसर के मरीज हैं, कैसे कैसे मरीज हैं, कितने जीवित हैं, कितने मृत्यु है, ये नंबर आंकड़ा पता कर रहे हैं। और हम ये एक तरह से मानिए कि एक क्षेत्र में कैंसर का बोझ कितना है, एक लोड कितना है, उस हिसाब से हम एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, ताकि हम आगे चल के उस क्षेत्र में, उस पंचायत में हम लोग कैंसर रोकथाम के लिए क्या क्या और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसका एक हम प्रॉपर प्लान करेंगे। जैसे कि आज हमने एक कम्युनिटी मेडम जो भी है, वार्ड मेंबर्स है, मुखिया जी है, आशा जी सब आई हुई हैं, जीविका दीदी सब आई हुई है, उनके लिए हमने एक जागरूकता का रखा, मीटिंग रखा। फिर उसी हिसाब से हम लोग एक कम्युनिटी लेवल पर भी मीटिंग रखेंगे जहाँ पर लोग, बाकी लोग भी आएंगे। और एक हमारा जैसे सर्वे ख़त्म होता है तो एक हम लोग एक शुरुआती जांच का एक कैंप लगाएंगे जहाँ पे हमारी महिला डॉक्टर हैं, नर्सेज की टीम आएंगी, और जो भी शक वाले लोग हैं, खासकर मुंह के कैंसर का, बचदानी के मुंह का कैंसर और छाती के कैंसर का, वो एक हम एक स्क्रीनिंग करवाएंगे। सर, इसके बदले में जो भी ये आपका जागरूकता अभियान के तहत आपने मरीज को जो बुलाएंगे, जी, आपके तरफ से इनको क्या मिलेगा? देखिए, हमारे तरफ से इनको पहला के जागरूकता में क्या है, इनको हम पहले बताएंगे, जानकारी देंगे कि कैंसर अगर हुआ है तो कहाँ पे इलाज कराना है और उनका कैसे इलाज कराना है, उनका कैसे देखभाल करना है, पहला चीज़। और उनको एक मानिए कि एक तरह से हम उनको रास्ता दिखाएंगे कि आप कौन सा सेंटर में जाइए, कहाँ पे जाइए, और अगर आप आर्थिक रूप से अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, तो आपको सरकार के थ्रू कौन कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन सी ऐसी फंड है जहाँ से आपको सरकार से सुविधाएं मिलेंगी, उसकी जानकारी देंगे। एक जो आप अगर आप एक आता है कि नहीं हम उनको किसी को कैंसर हो रहा है तो उनको डायरेक्ट पैसा देंगे, ये ना सरकार की तरफ से है ना हमारे तरफ से, और ये अवधारणा लोगों में नहीं होनी चाहिए। अगर किन्हीं को कैंसर, अभी जैसे हमारा कैंप के थ्रू हमारे अस्पताल टाटा मेमोरियल जो जिसका उसके तहत जो शुरुआती जाँच का जो टीम है वो जब आएंगी, वो जाँच निःशुल्क है, कैंसर के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, उनको शक होता है और उनका कैंसर के लिए बायोप्सी, FNAC कुछ भी जांच करवाना है, वो जांच वहाँ तक की सुविधाएं फ्री में है, एकदम निशुल्क है। अगर उनको कैंसर डायग्नोस होता है तो उसके लिए अगर उनका ये आयुष्मान भारत का कार्ड है उसके थ्रू इलाज होगा, नहीं है अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उनका आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सब लगेगी, और डॉक्टर ने कौन सा कैंसर बताया है, डॉक्टर ने कितना खर्चा बताया है, वो सब पर्ची लगेगी। वो लगने के बाद CM फंड के लिए या PM फंड के लिए अप्लाई होगा। और ये सिर्फ टाटा में नहीं, बिहार में कोई भी अस्पताल है, जैसे कि महावीर हो गया, IGMS हो गया, पारस हो गया, एम्स पटना, जो भी है वो सब में ये सुविधा उपलब्ध है। जी, पर्चे देंगे। जी, मेरा नाम दीपक गुप्ता हुआ और मैं PVCR का फील्ड सुपरवाइज़र हूँ, और अभी मेरा वही कार्यरत में होली बाबा कैंसर अस्पताल जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज कैंपस में है।